नमस्कार, आप सबको नुपुर का ढेर सारा प्यार। हमारे आसपास बहुत सारी चिंता हो रखी है, एवरीबडी स्ट्रेस्ड एंड वी हैव ऑल फॉरगॉटन द बेसिक्स ऑफ लाइफ टू लिव हैप्पीली एवरी सिंगल मोमेंट दैट वी हैव बीन गिफ्टेड। यस, खुशी से जो हमें जिंदगी मिली है उसे जी लीजिए और सही तरीके से हमारी सांसों का इस्तेमाल कीजिए। यूज योर ब्रेथ फॉर द राइट पर्पस and strengthen it. We are all wondering about our oxygen levels, but I must tell you the most important aspect is air, hawa. Hamare shareer ko hawa ki zarurat hai aur hamare lungs ko hame taakatwar banana hai. We have to make it strong and that happens only with pranayam. Aaj main aapko bahut hi easy, bahut aasan do kriya batane wali hoon to help improve and strengthen your lung capacity. So that when you need it, you are absolutely ready. And if you are recovering, आप कोई भी बीमारी से भी आप recover कर रहे हैं तो भी ये आपको काम आएगी। तो हमारी जो पहली क्रिया है उसको ताकतवर बनाने के लिए for the lung cardio is jogging. Yes, हमारे lungs को jogging कराना है, muscles को strong कर सकें और वो jogging के लिए तैयार हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है, आपको breathe in ब्रीथ आउट करना है। किस तरह से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस। व्हाट यू कैन डू इज कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, आपकी छाती पर हाथ रखिए। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये आसान होता जाएगा और आराम से आप ज्ञान मुद्रा में आराम से आप नीचे बैठकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखिए कोई भी प्राणायाम करते समय आप पीछे अपने सपोर्ट ना लीजिए। अगर आप ठीक से नहीं बैठ सकते हैं तो आप नीचे आपके बट्स के नीचे एक हल्का सा पतला सा पिलो रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन पीछे आप सपोर्ट न लीजिए। और साथ ही साथ कभी भी प्राणायाम करने के लिए अपने पेट को खाली रखिए। कीप योर स्टमक एम्प्टी फॉर एटलीस्ट ईट अबाउट 3 to 4 hours बिफोर डूइंग प्राणायाम। ओके, सो टू डू दिस क्रिया, कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड काउंट इन योर माइंड, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सांस लीजिए 1 2 3, सांस छोड़िए 4 5, सांस लीजिए 1 2 3, छोड़िए 4 5, 1 2 3 4 5। मेरे साथ फिर से ये कोशिश कीजिए, हाथ रखिए, शुरू कीजिए और आंखें बंद कर इस क्रिया को कीजिए। और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार कर रखिएगा। ओके, शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीठ में भी आपको कोई सेंसेशंस महसूस हो रहे हैं। वो इसलिए है कि इमेजिन दिस इज योर बॉडी, ये आपका सामने का भाग है, ये पीछे का भाग है। सो दिस इज योर बॉडी, सो व्हेन एवर यू आर डूइंग प्राणायाम स्पेशली दिस लंग कार्डियो यू विल फील लाइक दिस, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो इफ इट पेन्स, इफ यू फीलिंग अ पिंच, अगर आपको दर्द हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो होने दीजिए। योर मसल्स आर फाइनली वर्किंग, लेट देम वर्क। प्रैक्टिस को बंद नहीं करना है बल्कि उसे जारी रखना है, आपको उसे कंटिन्यू करना है। 2 मिनट से शुरुआत कीजिए, कम से कम आपको आगे जाकर 7 से 8 मिनट तक इस प्रैक्टिस को करनी है। अगर आपको कोई भी तरह की नौशिया या सर भारी होना, इस तरह के सेंसेशंस फील हो रहे हैं, ये बहुत कॉमन चीज है, आप होने दीजिए। क्योंकि अचानक से जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अचानक से जब आप अपने शरीर को इस तरह से भर के सांस देते हैं, यू गिव इट एयर, योर बॉडी इज सडनली गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड एंड दीज आर जस्ट द साइड इफेक्ट्स, लेट इट हैपन। आप क्या कर सकते हो, अपने पास में निवाया पानी यानी कि वार्म वाटर विथ फ्यू लेमन ड्रॉप्स
थोड़े से तुलसी के पत्ते और अगर आपके पास मिंट लीव्स यानी कि पुदीना के पत्ते हैं तो उसमें डालिए और आराम से अपने पास में रखिए। आपको कोई भी तरह का सेंसेशन हो तो एक घूंट आप पानी पी सकते हैं, ये आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस जारी रखनी है। और जब आप जारी रखेंगे तो आपको अपने आप ही इसका आपको महसूस होगा कि आपके ऑक्सीजन लेवल अचानक से बढ़ गए हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है एंड यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ वायरस, टू फाइट एनी काइंड ऑफ वायरस। ओके, सो वंस मोर विथ मी, प्लीज प्रैक्टिस दिस एंड सी हाउ यू फील। इफ यू फील द पिंच ऑन योर बैक, इट्स परफेक्टली ओके। क्लोज योर आईज एंड वी विल स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यस, इसी तरह से आपको कम से कम 7 से 8 मिनट तक इस प्रैक्टिस को लेकर जाना है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्रिया की ओर, यानी कि रनिंग। अब आप जॉगिंग तो कर चुके हैं, अपने बॉडी को वार्म अप कर चुके हैं, तो अब हमें क्या ले जाना है, अपने हार्ट बीट्स को बढ़ाना है, हमारी लंग कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाना है, तो हम उसे क्या देंगे, रनिंग। यस, रनिंग में हम क्या करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। इस तरह से हमें इस क्रिया को प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप इस क्रिया को प्रैक्टिस करेंगे, फिर से अपने हाथ को आपकी छाती पर रखिए, ओनली फॉर द बिगनिंग। जब आप इसे दिन ब दिन प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन इजिली लेट गो ऑफ योर हैंड एंड सिट इन ज्ञान मुद्रा। चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, आराम से बैठिए, बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड यू कैन स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, your body will go something like this, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। याद रखिए, आपके बेली यानी कि आपके स्टमक का इसमें ज्यादा काम नहीं है, वो अपना काम जरूर कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्राणायाम्स, जो हम प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं, उसमें हमारे पेट का बहुत अहम काम होता है, यहाँ पर हमारे लंग्स का अहम काम। इस क्रिया को आपको जारी रखना है और ध्यान में रखिए, आप अगर इन दोनों क्रियाओं को, द जॉगिंग एंड द रनिंग, इसे रोज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 7 to 8 मिनट्स तक, तो आपको कोई भी वायरस हो आप उसे फाइट कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं और आपको लग रहा है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल लो हो गया है, तो भी अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी कर रहे हैं, तो भी अपने शरीर को जरा सा इंक्लाइन कीजिए, जरा सा ऊपर उठाइए और इस प्रैक्टिस को जारी रखिए एंड अपने आप ही, आप अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसका अब्सॉर्प्शन पावर आपके शरीर में और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। याद रखिए, बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, किड्स, एल्डर्स, अडल्ट्स, ऑल ऑफ देम कैन डू दिस प्रैक्टिस, सो दिस इज मेंट फॉर एवरीवन। सबसे अच्छा अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं, देन द बेस्ट वे टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस क्रिया इज टू सिट इन द सन while doing the kriya, in the morning as the sun is rising or in the evening 1 hour before sunset. ये दोनों क्रियाओं को जारी रखिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, the more you practice, the better you will become, the stronger you will feel and of course the faster you will be able to recover. आप बहुत जल्दी अपनी बीमारी से बाहर निकल जाएंगे. Don't forget to like, share this video with all those people who you feel will really need this and of course will make use of it. And don't forget to subscribe to my channel. Best way also to achieve a good healthy body is whenever you do the kriya, smile, keep your face calm, relaxed and then do the kriya.
हैप्पी हीलिंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज नुपुर साइनिंग ऑफ.